नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके DRDO का एग्ज़ाम आपने दिया था CBT टेक्नीशियन का फर्स्ट, तो उसकी जो कट ऑफ जो ऑफिशियली की है वो आ चुकी है, और उसकी कट ऑफ कितनी गई है, आंसर की कैसे आई है, कैसे डाउनलोड करनी होगी, कैसे आप चेक करेंगे, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले ही पोस्ट कोड जो आपका ऑटोमोबाइल का था, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 80 गई है, और SC की 73 पे गई है, ST की कोई वैकेंसी नहीं थी, और OBC की 78 यानी कि 78 पर गई है, बाकी में कोई वैकेंसी नहीं थी, नॉन ऑफ दिस। उसके बाद चलते हैं, तो आपकी जो ब्लैक ब्लाइंडर की थी तो उसमें आपकी 60+81 यानी कि आप इसे 61 बोल सकते हैं, 61 आपकी कट ऑफ जनरल की होगी। एससी की आपकी काफ़ी कम गई है, ठीक है, आपकी 54 पर गई है, 54। OBC की आपकी 61 पर कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद PW की बात करते हैं, जो PWD में है आपकी कैटेगरी वाइज के हिसाब से गए, जैसे PWA का, PWC का, PWD का, इस प्रकार से हम कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर कट ऑफ गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये आपकी आती है कारपेंटर में जो काफ़ी हाई मेरिट गई है, सबसे ज़्यादा हाई कारपेंटर की है। उसके बाद एक और है जो हाई है, कारपेंटर की आपकी 91 है जनरल की, और SC की आपकी होगी 82, और OBC की 83, बाकी में वैकेंसियाँ नहीं थी, PWD में है तो उसकी 69 होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर ड्राफ्टमैन टेक्निकल के लिए, इससे पहले मैं आपकी कोपा की बता देता हूँ। तो कोपा की जो आपकी है यहाँ पर जनरल की काफ़ी लो मेरिट गई है, 78, ठीक है, और SC की 75, और ST की आपकी 68, और OBC की आपकी 73, ठीक है, बाकी PWD EVS में 60 की वैकेंसी, 60 है, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टमैन टेक्निकल की, तो आपकी 87 गई है, ये आपकी जनरल की होगी। उसके बाद SC की 78, ST की 64, और OBC की 84 गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम DTP कॉर्पोरेटर की, ठीक है, DPT ऑपरेटर की आपकी कोई ज़्यादा वैकेंसी मिल नहीं की गई थी, केवल SC की थी, तो 72 पर की गई है। सबसे हाई कट ऑफ की बात करते हैं, तो सबसे हाई कट ऑफ आपका इलेक्ट्रीशियन का रहा है, जिसमें आपकी जनरल के लिए 108 पर गई है, 108 में भी आपकी प्लस है, यानी आपको 109 मानकर चलना होगा। उसके बाद उससे भी हाई कट ऑफ है SC के लिए बात करते हैं, तो 102 होगी, यानी कि 103 आपको मानकर चलना पड़ेगा, और 96 आपकी ST की होगी, लेकिन 106 कट ऑफ, यानी कि जनरल से केवल 2 नंबर कम आपकी यहाँ पर OBC कट ऑफ 106 पर, जो कि काफ़ी हाई मायने रखती है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो नॉर्मल है, यहाँ पर देख सकते हैं 80-85, और उसके 60 के बीच में आपकी टोटल है। फीटर की जो कट ऑफ होगी वो 93 है जनरल की, SC ST की आप यहाँ पर देख सकते हैं, OBC की 90 होगी। उसके बाद मशीनिस्ट की भी कुछ ऐसी है, 101 जनरल की, और 90 आपकी SC ST की, और 95 आपकी OBC की। बात करते हैं सबसे जो मेन, उसके बाद रह गई है आपकी टर्नर की, तो बात करते हैं टर्नर की, जो जनरल की है वो 95 है, SC की आपकी 89, और ST की 82, और बात करते हैं OBC की, तो 91 पर आपकी गई है, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफर पेंटर, इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन वेल्डर की बात करते हैं, तो वेल्डर की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है, जनरल की 103 और बाकी 95-93, लेकिन OBC की कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी है कि 98 प्लस जा रही है, ठीक है। तो देखिए, डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे डाउनलोड करना होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको अपनी आंसर की के हिसाब से इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं एक बात आपको और बता दूं, इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल जवाब हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सुबह तक आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।